हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 12 साल के बच्चे के लिए कैनकैन का स्कर्ट बनाना बताने वाली हूँ। और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीटर प्लेन कॉटन का कपड़ा और उसके साथ ही में 3 मीटर मैंने यहाँ पे कैनकैन लिया है। तो सबसे पहले इसमें हम यहाँ पे जो हमने बॉटम के लिए कपड़ा लिया है इसकी कटिंग करेंगे। इसका जो पन्ना है वो सिर्फ 36 इंचेस का है और जो स्कर्ट है मुझे उसकी लंबाई भी उतनी ही चाहिए, तो इसमें मैं लंबाई में कोई कटिंग नहीं कर रही हूँ। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई में जितना कपड़ा है उतना मैं पूरा यूज़ करने वाली हूँ। बस यहाँ पे मैं ऊपर बेल्ट बनाने के लिए एक 4 इंच का स्ट्रिप कट करके लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कपड़े को यहाँ पे फोल्ड किया और इसमें ऊपर की तरफ आपको जितना भी लंबा पट्टी चाहिए, यानी कि जो इलास्टिक की पट्टी रहती है वो बनाने के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड किया है और यहाँ पे मैं एक 4 इंच की पट्टी कट करके ले रही हूँ। ये जो गाउन है इसकी स्टिचिंग बहुत ही सिंपल रहने वाली है, इसको कोई भी बिगिनर आराम से कर सकता है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट करके लिया है, इसको हम साइड में रखेंगे। और अभी जो बाकी का हमारा बचा हुआ कपड़ा है, ये 2 मीटर से थोड़ा सा कम है, तो ये जितना भी कपड़ा है उतना हम ज़्यादा पूरा ले रहे हैं। आप चाहे तो अम्ब्रेला में भी इसको कट कर सकते हैं, लेकिन मैं अम्ब्रेला में इसे नहीं कट कर रही हूँ, मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सिला रही हूँ। तो अब जो हमने यहाँ पे कैनकैन लिया है इसको ये देखिए, इस तरह से हमें लेना है। ये मेरा डबल है, आप इसे कट करके सिंगल करके लें। और इसकी जो लंबाई है वो जितनी है उतनी ही रख रही हूँ मैं। यहाँ पर आपको डबल में दिखा रही हूँ, बट आपको इसको कट करके सिंगल करके जॉइंट करके लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर प्लेट्स बनाने हैं, बॉक्स प्लेट्स हमें बनाते हुए जाना है। बड़े बड़े प्लेट्स ही हम बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से बॉक्स प्लेट्स हमें बनाते हुए जाना है और ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगाते हुए जानी है। तो ये मेरा डबल है, आप इसको कट करके बीचों बीच से सिंगल करके लें और इस तरह से प्लेट्स बनानी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे प्लेट्स बना के ली हैं। और इस तरह से ये जो बॉटम में है हमारा कैनकैन लग चुका है। और इसमें हमने यहाँ पे देखिए, इस तरह से हॉर्सेल लिया हुआ है, इसको हम बकरम की पट्टी भी बोलते हैं। इसको हमें इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ, यानी कि जहाँ पर हमने अभी कैनकैन लगाया है, यानी बकरम लगाया है, उसके ऊपर से देखिए इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा देनी है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा कपड़ा है वो पूरा एक तरफ होके नहीं रुकेगा, बट थोड़ा सा फूल के रुकेगा। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ से क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ पर हमें प्लेट्स बनाते हुए जाना है। और इसको जो 2 मीटर का कपड़ा है, इसको हमें जो हमने साइड की पट्टी कट करके लिए 36 इंचेस की, उसके साइज तक ले आना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे बॉक्स प्लेट्स बना के लिए हैं। बॉक्स प्लेट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो सादे प्लेट्स भी बना के ले सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरह से हम इसके साइड्स को पकड़ेंगे। इसके साइड्स को पकड़ते हुए ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगा के इसे जोड़ लेंगे। उल्टी तरफ से करना है, मैंने इसको सीधी तरफ से दिखाया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे साइड्स को जोड़ के लिया है और इस तरह से देखिए स्कर्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने पट्टी रखी थी पहले कट करके, उसको भी यहाँ पे देखिए साइड्स में 1/2 इंच के मार्जिन में एक सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है, ये भी पूरा राउंड है। तो इसको हम ये देखिए, जो हमने स्कर्ट रेडी किया है उसमें ऊपर की तरफ से, अभी ये कपड़ा मेरा उल्टा है तो इसको मैं अंदर की तरफ से पकड़ रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से अंदर की तरफ से पकड़ना है और 1/2 इंच के मार्जिन में पूरी गोलाई में सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है और अब इसको हम इस तरह से बाहर की तरफ खींच के ले रहे हैं। अब ये जो पट्टी है इसको हमें 2 फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ स्टिच करना है। तो ये देखिए, इस तरह से जो हमारी सिलाई है यहाँ पे हमारे ऊपर की तरफ है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पट्टी है इसको ये देखिए, इस तरह से 1/2 इंच का फोल्ड लेंगे और उसके बाद में इसको ये देखिए, जो अभी हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर फोल्ड करके रखते हुए सिलाई लगाते हुए जाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें पकड़ना है और पूरी गोलाई में सिलाई लगाते हुए जाना है। सिर्फ एक जगह में हम 2 इंच का ओपन रखेंगे जिसमें से हमें इलास्टिक डालने के लिए यूज़ होगा। तो ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगाई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 इंच का एक गैप रखा है। अब इसमें से हम इलास्टिक को डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जितने भी आपके बेबी का कमर का साइज़ है उससे भी 3 इंच हम कम लेंगे और उसको ये देखिए हेयर पिन या पिन के मदद से हम ये देखिए इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इलास्टिक को अंदर डाल दिया है
और यहाँ पे देखिए दोनों साइड्स अब बाहर हैं, तो इनको ये देखिए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें अच्छे से इसमें सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद में उसको ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ ढकेलते हुए जो मार्जिन हमने ओपन रखा था उसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमारा कैनकैन का स्कर्ट है बनके तैयार है ना, बहुत ही सिंपल। तो आप भी ज़रूर इसको बनाना एक बार ट्राई करें अपने बच्चों के लिए। और इसके साथ ही मैं अम्ब्रेला कट में किस तरह से स्कर्ट बनाना है इसका भी वीडियो हमने हमारे चैनल में डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू।